हेलो चिल्ड्रन, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक्स लेटर और ओ लेटर से बहुत ही आसान तरीके से काउ का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी प्यारे बच्चों गाय का चित्र। आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम आपको एक्स और ओ लेटर से काउ का चित्र बनाना सिखाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे तो पहले आप एक्स लिख दीजिएगा और आप वीडियो को केवल देखिएगा मत प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मार्कर और पेपर नहीं उठाया तो उठा लीजिए प्यारे बच्चों जल्दी से और मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पे आप पहले तो एक्स लिख देंगे। एक्स लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ओ लिख दीजिएगा, ये हो गया हमारा ओ। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों जस्ट इसी के बगल में एक ओ हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स हो गया ओ ओ, यानी कि इसको आप सर्किल भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखा देंगे। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है काऊ की स्पेलिंग आती है तो आप हमें जो है काऊ की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्स लिखने के बाद अब देखिएगा यहाँ से आपको करना क्या है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इस पे जो है हमें एक हाफ सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। इसी तरह आप एक हाफ सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ड्राइंग जो है बहुत ही आराम से बनाया जाता है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा इसको हमें जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हल्का सा हाफ सर्किल का शेप देते हुए इस हाफ सर्किल से हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ तक मिलाने के बाद प्यारे बच्चों देखिएगा इसके बाद आपको करना क्या है, इसको हमें जो है ऊपर की तरफ एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाइएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको हमें जो है ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देना होगा। और आप हमें जो है काऊ की स्पेलिंग के साथ साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि काऊ का भोजन क्या, यानी काऊ खाती क्या है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको हमें जो है ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा, फिर यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे आप एक ऐसे लीफ शेप में जैसे पत्ती का शेप होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। इसी तरह सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा, अब इसको हमें जो है बहुत ही आराम से डबल कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। कुछ बच्चे होते हैं वीडियो जो है बीच में ही छोड़ देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसे आइए अंदर की तरफ करते हुए, फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ करते हुए फिर यहाँ से ऐसे अंदर की, देखिए अंदर की तरफ आइए फिर ऊपर की तरफ, फिर अंदर से ऐसे करते हुए फिर इसे हमें जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठा देना होगा। उठाने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ हम बना देंगे काऊ का लेग प्यारे बच्चों, ये हो गया ऐसे आगे की तरफ कर दीजिए और यहाँ पे नीचे की तरफ मार करके ऐसे आप इसको ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक और आपको लेग बना देना होगा काऊ का, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, इसको हमें जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। यहाँ पर आप आ जाएंगे नीचे की तरफ, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों नीचे की तरफ आने के बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ करिए, फिर नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे भी एक ऐसे मार्कर के हेल्प से आप ब्लैक कर दीजिएगा। अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल से कर दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बना देंगे काऊ का फोर्थ लेग। लेग बनाने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बना देते हैं काऊ की आई, इसको सर्किल करिए फिर मार्कर के हेल्प से बहुत ही आराम से ब्लैक कर दीजिएगा। इसी तरह हम सेकेंड वाला भी बना देंगे। और प्यारे बच्चों जो हमने यहाँ पे सर्किल बनाया है, अगर आप इसको चाहें तो कलर भी कर सकते हैं या चाहें तो हाफ हाफ कलर भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्किल बना के इसको ब्लैक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हम पीछे की तरफ बना देंगे काऊ की टेल प्यारे बच्चों, यानी कि पूंछ। तो ये हमारी काऊ की पूंछ हो गई। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बना देते हैं एक मार्कर के हेल्प से इसको वैसे डॉट लगा दीजिएगा। डॉट लगाने के बाद एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए और बीच नीचे की तरफ एक हाफ सर्किल ड्रॉ करके इसको हम बहुत ही आराम से ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे एक हाफ सर्किल ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद 1 2 3 4 लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा काऊ बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों।